हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष रविंदर सिंह डोगरा ने अब इलाके के स्कूलों को सैनिटाइज करने की ठान ली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष रविंदर सिंह डोगरा ने कोरोना संक्रमण से बच्चों को बचाने व अभिभावकों को चिंता मुक्त और बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित तरीके से स्कूलों में जारी करने के लिए कमर कस ली है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा स्कूलों को खोले जाने की स्वीकृति देने के बाद हिमाचल सरकार ने भी प्रदेश के स्कूलों को एसओपी के आधार पर खोल दिया है, लेकिन अभिभावकों बच्चों व स्कूल प्रबंधन में अभी भी कोरोना के प्रति बे का माहौल व्याप्त है। इसी बात को समझते हुए रविंदर सिंह डोगरा ने जिला हमीरपुर के प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन की परेशानियों के मद्देनजर सैनिटाइजेशन के साथ साथ स्कूलों में बच्चों के लिए फुट पैंडल हैंड सैनिटाइजर की मशीनें लगाना शुरू कर दी हैं। इसके अलावा स्प्रे की दवा, सैनिटाइजेशन के रिफिल पैक, स्प्रे के लिए पंप तथा स्कूल स्टाफ को अलग से हैंड सैनिटाइजर देना शुरू कर दिया है। रविंदर सिंह डोगरा ने पत्रकारों को बताया कि पिछले हफ्ते हमीरपुर में आईटीआई को सैनिटाइज करने के बाद उन्हें अभिभावकों और स्कूलों द्वारा सैनिटाइजेशन के लिए संपर्क किया जा रहा है और इसी कड़ी में उन्होंने विकासखंड सुजानपुर के अंतर्गत आने वाले चोरी पंचायत व प्राइमरी व सीनियर सेकेंडरी स्कूल को पूर्ण रूप से सैनिटाइज किया। डोगरा ने कहा कि चोरी के दोनों स्कूलों के प्रबंधन ने बच्चों को शारीरिक दूरी के हिसाब से बैठाने की उचित व्यवस्था की हुई है और कुछ बच्चों ने स्कूल में आना भी शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है स्कूलों के संदर्भ में। फिर भी कई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि उसका कारण है कि स्कूलों में पर्याप्त सुविधा जो सैनिटाइजेशन की नहीं है और सैनिटाइजर या अन्य सामान भी उपलब्ध नहीं है। तो हमने अपने इलाके में खासतौर से हमीरपुर जिला के अंदर एक मुहिम चलाई है कि जितने भी स्कूलों के अंदर बच्चे आना चाहते हैं तो उनकी सैनिटाइजेशन के लिए हम काम करेंगे। इसी संदर्भ में आज हम प्राइमरी स्कूल चौरी और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौरी दोनों में हमने सैनिटाइजेशन का काम किया है और वहाँ पर जो बच्चे आए थे उनको सुरक्षा के जो नियम हैं वो सारे हमने उनको बताए हैं और जितना भी स्टाफ था वहाँ पर उन सबको भी मानकों के हिसाब से जितनी भी दवाएँ और सैनिटाइजर और हैंड सैनिटाइजेशन की मशीन जो हमने मुफ्त उपलब्ध करा दी है।